हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा सो गाइस वी आर हियर विद लेक्चर नंबर 8 फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिक एमसीक्यूज ओके सो इसके अंदर भी हम अराउंड 10 एमसीक्यूज देखेंगे आज के लेक्चर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फटाफट से इनको करने की कोशिश करेंगे एंड आई बी के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो इस बार मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं आफ्टर 10 डेज ओके सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड अभी तक जिन्होंने ये टू थाउजेंड प्लस नॉन वीडियो एम सी क्यू कोर्स नहीं लिया है इसको ले लो अगर आप आई बी पी एस एफ ओ का दे रहे हो तब भी ले लो आपने फ्यूचर में अगर एग्रीकल्चर के एग्जाम्स देने हैं ना बार्ड का एग्जाम देना है ले लो और इसको ना हम कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहेंगे कंटिन्यूअसली रेनोवेट करते रहेंगे कोर्स को और जो भी कोर्स खरीदेगा उसको रेनोवेशन से चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि जब भी कोर्स रेनोवेट होगा अभी जब इसका फर्स्ट रेनोवेशन होगा इसका फर्स्ट रेनोवेशन होगा आफ्टर आई बी पी एस सी एफ ओ का एग्जाम रेनोवेशन के अंदर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ जैसे जो करंट अफेयर्स के पुराने क्वेश्चन होंगे ठीक है जो हमें लगेगा कि नहीं अब इन क्वेश्चंस की कोई वैल्यू नहीं है उन क्वेश्चंस को कोर्स में से हटा दिया जाएगा या जो भी आउटडेटेड डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उनको कोर्स में से हटा दिया जाएगा तो रेनोवेशन कंटिन्यूसली चलता रहेगा और रेनोवेशन के बाद प्राइस अगर चेंज भी होता है तो जिन बच्चों ने कोर्स ले लिया उनके लिए वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा क्वेश्चन फट के साथ पहला बड़ा फैक्चुअल सा और सिंपल सा क्वेश्चन है व्हाट वाज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन परसेंटेज टर्म्स इन इंडियन जीडीपी इन 1950-51 1950-51 में एग्रीकल्चर का हमारी टोटल जीडीपी में कितना परसेंटेज शेयर था ठीक है इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस कई बार वो पूछ लेता है जब आप इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ते हो ना किसी भी किताब के अंदर तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलती है कि जब हम आजाद हुए थे तो उन्नीस सौ में एग्रीकल्चर का इतना परसेंटेज था सरकार का जब करंट अफेयर्स में डाटा आता है कि एग्रीकल्चर का इतना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में तब भी सरकार है जरूर हाईलाइट करती है कि देखो उन्नीस सौ में इतना होता था अब जा के इतना रह गया है ठीक है तो ये कंटिन्यूअसली आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार वो पेपर में पूछ लेता है तो आपको एक आइडिया होना चाहिए सो so, दोस्तों इंडिया का जो जीडीपी uh, में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का 1950 51 के अंदर वो था आपका ऑप्शन बी 55.4 फाइव परसेंट पचपन परसेंट यहां पर आपका आंसर रहेगा इसको याद रखिएगा इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है एक तो जो करंट टाइम का आता है सरकार के पास सरकार जो रिलीज करती है वो आपको पता होना चाहिए और दूसरा जो 1950 51 का ये याद रख लेना बस इतना सफिशियंट है सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन से साल में सरकार ने ये डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी बोलेंगे प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकॉनॉमी का क्या मतलब हो गया कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसकी डेवलपमेंट के बिना देश की बाकी की इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती एक तरीके से ठीक है अलग अलग सेक्टर्स होते हैं ना जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया सर्विस सेक्टर हो गया तो किस साल में सरकार ने कहा कि एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी बोलेंगे ए 1951, बी 1967, सी 2002, डी 2006 या फिर ई टू थाउजेंड अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो तो देखो बेटा प्राइम मूविंग फोर्स का मतलब क्या हो गया वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं सबसे पहले तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑप्शन ए होगा इसका ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2002 तो असल में बेटा एक्चुअल में हुआ क्या कि देखो 1940 से इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी बोला गया लेकिन ये सेक्टर इतना कुछ खास परफॉर्म कर ही नहीं रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्योंकि मार्केट ही अच्छे से अभी तक डेवलप नहीं हुई है ना इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इकोनॉमी की तो ऐसी तैसी हुई हुई थी मार्केट कैसे सक्सेसफुल होगी जब तक लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा जब तक लोगों का इनकम नहीं बढ़ेगा तब तक मार्केट क्रिएट ही नहीं होगी मार्केट क्रिएट नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फायदा क्या ठीक है तो ये फिर सोचा गया कि यार जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होएगा और लोग हैं एग्रीकल्चर के अंदर आज भी हमारी आप पॉपुलेशन देख लो वन ऑफ द मेजर्स जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है तो जब तक ये लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है ये डेवलप नहीं होंगे तब तक आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर को जितना मर्जी दे लो अल्टीमेटली ठीक है तो ये डिसाइड किया गया कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा तभी के बा, तभी बाकी के सेक्टर्स ग्रो होंगे और इसीलिए साल 2002 में भारत सरकार ने फिर ये डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर को हिंदुस्तान का प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनमी जो है वो माना जाएगा ठीक है थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ थर्ड क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन इस लेक्चर में बड़े सिंपल और बेसिक से क्वेश्चंस रखे हैं लेकिन ये सिंपल और बेसिक क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा तंग करते हैं खारिफ और राबी ये आपने दो टर्म सुने हुए हैं कोई भी अगर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है या एग्रीकल्चर का स्टूडेंट नहीं भी है खारिफ और राबी तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जुड़े हुए हैं ठीक है खारिफ और राबी ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं ये कौन सी भाषा के वर्ड्स हैं पर्शियन के हैं अरेबिक के हैं लेटिन के हैं संस्कृत के हैं या फिर नन ऑफ दी अब खारिफ और राबी जो क्रॉप्स होती हैं आपकी ना खारिफ क्रॉप राबी क्रॉप तो दोस्तों यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अरेबिक ये जो दोनों टर्म्स हैं आपकी खारीफ और राबी ये आपकी अरेबिक टर्म्स है कौन सी टर्म्स हैं अरेबिक टर्म्स हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदुस्तान के अलावा खारीफ और राबी टर्म का इस्तेमाल करती हैं अपनी क्रॉप्स को डिफाइन करने के लिए अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डिफाइन करने के लिए ठीक है खारिफ और राबी दोनों ही अरेबिक टर्म है खारिफ का मतलब होता है ऑटम और राबी का मतलब होता है स्प्रिंग ठीक है तो ऑटम क्रॉप्स और स्प्रिंग क्रॉप्स भी इनको बोला जाता है

हर सोयाबीन ग्राउंडनट कॉटन तो ये सब क्या आ गया एक सेकेंड रुको बेटा यहां पर ना ये आई थिंक क्वेश्चन के अंदर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है इसका राइट right आंसर जो है वो ऑप्शन ए नहीं होगा देखो सोयाबीन और ग्राउंडनट जो है ये तुम्हारे खारीफ क्रॉप है ठीक है मस्टर्ड तुम्हारा राबी क्रॉप है बार्ले को भी अगर आप देखोगे ये भी आपका राबी है ठीक है और अरहर की अगर हम बात करें तो अरहर को भी देख लेते हैं अरहर जो है ये आपका खारीफ है ठीक है तो अरहर भी आपका ख़ारीफ है तो यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन जो है गलत फ्रेम हो गया है शायद और इसके अंदर नॉट टेन एग्जाम्पल ऑफ खारीफ क्रॉप आना था तो नॉट टेन एग्जाम्पल में आपका फोर एंड फाइव आंसर होना चाहिए तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन जो है वो थोड़े से गलत हैं आप इनके ऑप्शन को हम दोबारा से रीफ्रेम कर सकते हैं पी जब मैं शेयर करूंगा तो मैं इसमें करेक्ट फॉर्मेट में इसको शेयर कर दूंगा ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल इसके वन टू थ्री फोर फाइव बी कर दो फोर एंड फाइव सी कर दो थ्री एंड फोर डी कर दो वन टू एंड थ्री ई कर दो नन ऑफ दी अब ठीक है तो उसके आंसर हो जाएगा फोर एंड फाइव क्योंकि आपके बार्ले और मस्टर्ड जो है ये दोनों राबी क्रॉप्स हैं तो यहां पर आंसर ये होना चाहिए था ठीक है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके अंदर गड़बड़ हो गई है इसको ठीक करके पीडीएफ के अंदर डाल देंगे बाकी मैंने आपको समझा दिया है कोई दिक्कत हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया इनमें से कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लैंड होल्डिंग्स है इंडिया में ये एग्रीकल्चर सेंसस का क्वेश्चन है बेटा बेसिकली ऑप्शंस हैं राजस्थान एमपी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र या नन ऑफ द अबव कौन सी स्टेट के पास लार्जेस्ट ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स है राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर ऑपरेशनल होल्डिंग्स जो है वो टोटल 137.76 मिलियन हेक्टेयर है और सबसे ज्यादा इसमें से यूपी के पास है 22.93 ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है टोटल याद कर सको तो कर लेना स्टेट का याद करने की जरूरत नहीं है और फिर बिहार और महाराष्ट्र आ जाएगा ठीक है दूसरे और तीसरे नंबर पर ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी समझ लो बेसिकली ऑपरेशनल होल्डिंग वो होती है वो लैंड होता है जो पूरे तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये लैंड का साइज है ये पूरे का पूरा लैंड या इस लैंड का एक हिस्सा इतना हिस्सा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अगर यूज हो रहा है ठीक है जिसको एज अ यूनिट यूज कर रहा है एक बंदा तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑपरेशनल होल्डिंग बोलते हैं जरूरी नहीं है कि वो बंदा उस जमीन का मालिक हो जिसपे वो खेती बाड़ी कर रहा है ठीक है तो ऑपरेशनल होल्डिंग बेसिकली क्या हो गया अगर लैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ सिक्स क्वेश्चन अगेन एग्रीकल्चर सेंसस का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट लैंड ऑपरेटेड एरिया इन इंडिया लार्जेस्ट लैंड ऑपरेटेड एरिया इन इंडिया लैंड ऑपरेटेड एरिया इंडिया का क्या मतलब हो गया बेसिकली जहां पर जो लैंड है वो मैक्सिमम वे में यूटिलाइज हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए ठीक है सो ऑप्शंस है राजस्थान एमपी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र नन ऑफ दी अबव द राइट आंसर इन दिस केस इज राजस्थान तो ऑपरेटेड एरिया जो है 159.18 मिलियन है टोटल और हाईएस्ट किसके पास है राजस्थान के पास है दूसरे और तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र और यूपी आ जाएगा सेवेंथ क्वेश्चन आ जाओ जी सेवेंथ क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है उसका मतलब ये है कि मिनिमम सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ फैमिली विल बी देयर ठीक है रिलेटेड टू लैंड होल्डिंग रिलेटेड टू लैंड होल्डिंग इकोनॉमिक होल्डिंग फैमिली होल्डिंग ऑप्टिमम होल्डिंग या नन ऑफ दी अब मिनिमम सेटिसफेक्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है कितनी लैंड होल्डिंग होने से मिनिमम सेटिसफेक्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक होल्डिंग उसको हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक होल्डिंग बेसिकली इकोनॉमिक होल्डिंग क्या होता है जितना जमीन का टुकड़ा कम से कम जो होना चाहिए एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ताकि एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल हो सके ताकि एग्रीकल्चर एक सस्टेनेबल लेवल से ऊपर जा सके है ना अब बिल्कुल ही छोटा सा लैंड है उसका कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि उसमें जो प्रोडक्शन हो रही है उससे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा उसको आप मार्केट में नहीं बेच पा रहे या वो आपकी फैमिली की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पा रहा तो वो तो अन इकोनॉमिकल हो गया ना इकोनॉमिक होल्डिंग वो हो गया कि इतना एरिया तो कम से कम चाहिए जिससे आप प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर आ जाओ हार्ट रॉट डिजीज इन शुगर बीट ये किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है न्यूट्रिय डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है बोरॉन आयरन कैल्शियम पोटेशियम या फिर नन ऑफ दी तो करेक्ट आंसर यहां पर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बोरॉन बोरॉन की डेफिशिएंसी से आपके शुगर बीट के अंदर हार्ट रॉट की प्रॉब्लम होती है हार्ट रॉट का जो बॉटनिकल नेम आ जाता है दैट इज पैरासिटिका फंगल डिजीज होता है एंड बेसिकली ये मेनली पाइनएप्पल के अंदर भी होता है जहाँ पर ये uh, जो ट्री होता है उसके बिल्कुल सेंट्रल uh, ट्रंक के अंदर अटैक करता है एंड वहाँ पर फंगा उस ट्री के बोन्स के थ्रू उसमें एंटर करती है सिमिलरली शुगर बीट के अंदर भी इंजर्ड जो पार्ट्स होते हैं वो uh, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन uh, का जो है एक सोर्स होते हैं फॉर हार्ट रॉट क्वेश्चन नंबर नाइन के ऊपर आ जाए द टर्म्स सॉइल इम्प्रोविशमेंट इम्पोवरिशमेंट रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इम्पोवरिशमेंट का क्या मतलब है सॉइल इरोजन हो रहा है सॉइल डिपोजिशन हो रहा है सॉइल गेटिंग डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सॉइल गेटिंग एनरिच्ड ठीक है ऑप्शन ही न देखो आसान सा क्वेश्चन है एक जनरल क्वेश्चन है अब यहां पर आंसर क्या होगा

ठीक है सॉइल गेटिंग एनरिच्ड एनरिच्ड का क्या मतलब है कि सॉइल का न्यूट्रिशन बढ़ रहा है तो वो इम्पोवरिशमेंट नहीं होगा वो तो इंप्रूवमेंट हो रही है ना तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता तो इम्पोवरिशमेंट बेसिकली हम कब टर्म यूज करते हैं जब आपका सॉइल जो है न्यूट्रिय उसके अंदर कम हो रहे हैं डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ लेक्चर के डोलोमाइट पाउडर इज अप्लाइड इन सम एग्रीकल्चरल लैंड्स द ऑफ अप्लाइंग इट इज टू डोलोमाइट लैंड कब यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर या लैंड के अंदर अगर आपको सॉइल का पीएच बढ़ाना हो पीएच बढ़ाना हो मतलब की सॉइल एसिडिकॉइल का पीएच कम करना हो पीएच कम करना हो मतलब की सॉइल एल्कलाइन है आपको सॉइल में फॉस्फोरस कंटेंट इंप्रूव करना है आपको सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट इंप्रूव करना है नन ऑफ दी बेसिक क्वेश्चन है ठीक है अगर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आंसर कर सकते हो राइट आंसर इज इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ द सॉइल तो बेसिकली डोलोमाइट पाउडर जो है वो एसिडिक फील्ड्स के अंदर यूज किया जाता है जिन फील्ड्स के अंदर आपकी एसिडिक एसिड कंटेंट की प्रॉब्लम होती है ना जहां पर सॉइल एसिडिक हो जाता है वहां पर इसको यूज किया जाता है ताकि को को एसिडिक प्रॉब्लम रिजॉल्व किया जा सके ठीक है तो एसिड न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है काफी ठीक है सोर्स ऑफ मैग्नीशिया भी इसको यूज किया जाता है इसको लाइव स्टॉक के फीड में भी इसको डाला जाता है ठीक है मेटल प्रोसेसिंग वगैरह मल्टीपल यूजेज हैं ग्लास बनाने में ब्रिक्स सिरेमिक्स बट एग्रीकल्चर में इसको किस लिए यूज किया जाता है एसिड न्यूट्रलाइजेशन के लिए

व्हाट्सएप करो मेल करो या टेलीग्राम करो कोई दिक्कत नहीं है बिंदास एंड प्रायोरिटी उनको दी जाएगी अभी फिलहाल के लिए उन बच्चों को जो मेंस के लिए सिलेक्ट हुए हैं ऐसा कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि उनका पेपर दस दिन बाद है इसीलिए उनको प्रायोरिटी दी जाएगी चलिए सो टेक केयर गाइज विल सी यू द नेक्स्ट क्लास टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय